वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। आपने बांग्लादेश की वो खबर तो आपको याद ही होगी, वहां पर किस तरीके से एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ था, जिसके बाद वहां पर मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं के ऊपर खूब अत्याचार किया, मंदिर को तोड़ा गया, सरेआम हिंदुओं को काटा गया, गोलियों से भुना गया। ये सब तो अभी तक बांग्लादेश में ही खबरें आ रही थी कि वहां पर किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन अब भारत के देवभूमि मतलब गुजरात ने भी जिस तरीके से यहां पर एक फेसबुक पोस्ट के जरिए हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, उनको सरेआम पीटा जा रहा है। जी हाँ, गुजरात के राजकोट स्थित भक्ति नगर में सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को ईश निंदा का मामला बताते हुए उग्र मुस्लिमों की भीड़ ने 5 हिंदुओं पर हमला कर दिया। ये नो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय में बवाल हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर हिंदुओं को मारा गया। इस मामले में गुजरात पुलिस ने शनिवार को 2 नाबालिग सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर एक पक्ष ने आपत्ति जताई, इसको हटाने को लेकर दूसरे पक्ष से बातचीत करने के लिए बुलाया गया, दूसरे पक्ष से बातचीत के दौरान उस पर हमला कर दिया गया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, वहीं कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि बातचीत के लिए बुलाने के बाद मुस्लिमों की एक भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 5 हिंदू घायल हो गए। दरअसल विनय ओडिया नाम के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी, जो कि 24 घंटे में खुद ही हट जाती है। इस पोस्ट को इरशाद संघी नाम के एक मुस्लिम युवक ने आपत्ति जताई और इसे हटाने के लिए कहा। इस दौरान इरशाद ने डेडिया को साथ यहां पर गाली गलौज करते हुए पोस्ट को तुरंत हटाने की धमकी दी। वहीं राजकोट के DCP जोन 1 प्रवीण ने कहना है कि इस संबंध में भक्ति नगर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है और IPC की धारा 437, 504 और 114 के तहत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और आगे कार्रवाई की जा रही है। मतलब साफ है, एक पोस्ट के जरिए ये जिहादी किस तरीके से लोगों को मार रहे, हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान बांग्लादेश से ऐसी खबरें आती थी जहां पर जिहादी सरेआम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे, लेकिन अब भारत में भी ऐसी खबरें आने लगी हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।